टोडे मल्ली साहब कह रहे रात और दिन परेशान हो कसाई भाव से और उससे कुछ नहीं हो रहा। नहीं समझ में आया, मैं किसी चीज की चिंता में लगा हुआ हूँ तो उस चिंता का, उस कसाई का, उस काम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वो तो जो होना है तो होना है। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, अब ट्रेन लेट हो रही है, अब मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो टोडे मल्ली साहब कह रहे बताओ तुम्हारे गुस्सा करने से, तुम्हारे चिड़चिड़ाने से क्या ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि ट्रेन तुम्हारे गुस्से से थोड़ी बंधी है। वो तो जब ड्राइवर लेके आएगा, जिस समय आएगी आएगी, लेकिन तुमने वो जो आधा घंटा आकुलता में निकाला तो उसके लिए कहते हैं तुम ही जिम्मेदार हो, वो ट्रेन जिम्मेदार नहीं है। कि क्यों? कि तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती है कि परिणमन कराने वाले तुम नहीं। अब ट्रेन कितनी दूर की बात है, देखो ना, अपन रेल मंत्री, अपन रेल मंत्री भी नहीं है, अपने हाथ में कोई फोन भी नहीं है कि किसी अधिकारी को करो, किसी अधिकारी से भी कोई कुछ हाथ में है ही नहीं, और अपन परेशान होते हैं। है अगर कर भी तो फोन पे आ जाएगी। अरे हम एक बात कह रहे हैं उस, चलो वो रेल मंत्री की तो चलती है, वो फोन करे तो समझ में भी आए हे ट्रेन लेट क्यों गई। तुम्हारी तो कोई सुनने ही वाला नहीं है, तुम तो कितने ही चिल्लाओ कि साहब रोज लेट होती, होने दो, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तो भी बहुत दुखी होते हैं। ये समझा रहे, ये तो मैंने उदाहरण दिया, ऐसा हर चीज में लगाओ, घर गृहस्थी के काम है, रात और दिन पे तो देखो रोजमर्रा की जिंदगी है, कब तक क्रोध करोगे, कब तक? इससे अच्छा स्वीकार कर लो, बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना ही है, सुबह उठना है तो उठना ही है, भोजन बनाना है तो बनाना ही है, दुकान जाना है तो जाना ही है, कब तक कसाय करोगे, कब तक परेशान होगे? क्योंकि वस्तु का परिणमन तुम्हारे हाथ में नहीं है।